हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल सा फूल है और ये जो है दुपट्टा है। ये देखो, सबसे पहले हल्का सा आप ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये देखो, पहले ऐसे बना लिया, ठीक है। अब इसको हाफ हाफ ना फिल कर देंगे। ये हल्का सा ना, जो सारे मैंने इधर बनाए हैं, हल्का सा ये कलर चेंज लग रहा है मुझे, रेड। चलो अब सिखाने ही लग गए हैं, क्योंकि मैंने फूल की जगह ही एक छोड़ी है। अब वो शीशी तो हम उठा नहीं सकते, वो खत्म हो गई सभी फूलों में। अब ये जो है थोड़ी डिफरेंट है इससे, वो बाद में मैं अपने आप ठीक कर दूंगी। तो पर आपको सीखना है तो देखो, आप इतना, मतलब पहले मैंने इतना बना दिया, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम ना व्हाइट कलर लेंगे, ठीक है। ये जॉर्जेट का दुपट्टा है और पतला करके व्हाइट रंग लेना है, बिल्कुल पतला करके, ठीक है। ये देखो, ये बिल्कुल टमाटरी सा रेड होता है ना, वो रेड है। और बाकी जो, अब ब्रश को मैं ना पोंछ रही हूँ, पोंछ के ना जो व्हाइट रंग है वो निकाल दो और फिर इसको इस तरह से मिक्सिंग करनी है। देखो, कभी उसके ऊपर हल्का सा, कभी साइडों में ऐसे करेंगे। ये देखो, बिल्कुल मिक्स हो गया ना। अब सेकंड मिक्सिंग देखो, हम ये भी मिक्सिंग देखो, आप ये मिक्सिंग हो रही है, हो गई। अब ये वाली मिक्सिंग, ये जॉर्जेट के सूट पर, दुपट्टे पर मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है। ये देखो, बिल्कुल जैसे ऑयल पेंटिंग की तरह मिक्सिंग हो जाती है। ऑयल पेंटिंग में बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है ना, उसी तरह से। ये देखो, अब इसको मिक्स करेंगे। आपके सामने ही है, देखो मिक्सिंग हो गई अच्छी तरह से। अब व्हाइट कलर लेंगे, व्हाइट कलर नहीं, सॉरी मेहरून कलर। मेहरून कलर से इसकी आउटलाइन कर देंगे। ये इसकी आउटलाइन हो रही है। वो सारे फूलों का कलर ना हल्का सा मेहरून है, ये थोड़ा सा टमाटरी रेड है। अब इसको ठीक करने का, देखो अपने से गलती से रेड कलर की दूसरी शीशी यूज हो जाए तो उसको ठीक करना भी आपको आ जाएगा। ये टमाटरी रेड है, वो हल्का सा मेहरून लुक देता हुआ रेड होता है ना, वो है जो बाकी सब में हुआ है। अब इसको हमने उससे मिलाना है, जैसे उसको हम उसी रंग में ना हल्का सा ब्लैक मिला देंगे। और ये देखो, हल्का सा ब्लैक मिला के इसके
दोबारा से कर देंगे आप। तो ये देखो टमाटरी रेड बन रहा है ना, ये आपने नहीं करना है, ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने गलती से वीडियो बनाने लगी तो मैंने दूसरे रेड की शीशी उठा ली, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा टमाटरी रेड और वो जो दूसरे हैं बने हुए सारे उससे कोई डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है ना, तो फिर उसके जैसा ही लगने लग जाए इसलिए मैंने फिर ये उपाय किया है कि उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक मिला दिया। ब्लैक मिलाने से वो कलर सेम लुक आ रहा है। अभी अगर थोड़ा सा भी लुक अलग भी होगा ना तो भी 19-20 का भी अंतर होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर हम इसको ठीक नहीं करते तो ये सूख जाता, और सूख जाता तो फिर ये इसकी कलर की पकड़ नहीं होगी। तो आपको साथ में तो ये फूल बनाना आ गया और साथ में आपको इस कलर को उस कलर में मैच करने का तरीका भी पता लग गया। ये देखो अब इसकी जो मिक्सिंग है वो एक बार फिर करनी पड़ेगी बड़े ब्रश से, आप देखो, क्योंकि हमने इसको वही लुक लाना है ना जो बाकी सारे बने हुए हैं। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं। अभी जो जो कलर रेड मैंने यूज किया ना बाकी फूलों में, वो कलर का डिब्बा पड़ा है दूसरे कमरे में, और ये मेरे कलर ट्रे में रेड पड़ा था दूसरा, और बाय चांस कई बार पता नहीं लगता जल्दी जल्दी में और मैंने ट्रे में डाल लिया वीडियो बनाने लग गई, और वो कलर दुपट्टे पे खत्म हो गए थे, अभी अंदर से और लाने वाले थे तो मैं भूल गई और मैंने वीडियो शुरू कर दी। और ये देखो अब ये बन गया है, ये लगभग सेम ही हो गया, थोड़ा सा फर्क है वो इतना पता नहीं लगेगा, वो हमें पता है ना, किसी और को तो नहीं पता ना। अब ये देखो ऐसे ऐसे करके गीले गीले पे ब्रश को फ्लैट रखा और ऐसे ऐसे करके ऊपर ले जाते जाते कम करते जाओ उसको, ये दोबारा देखो ऊपर ले जाते जाएंगे ना तो थोड़ा उसको कम करते जाएंगे, इसी तरह इधर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी बात अभी इसके ऊपर कुछ और भी करना है पर वो जो है गीले पर नहीं होगा, वो सूखे पर होगा, वो मैं आपको इस पर अगले पर बता देती हूँ। ये देखो ये जो फूल बना हुआ है ना इस पर बता देती हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे करके बस इस तरह से लाइनें चलानी है, ओके बस इस तरह से। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू।